स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सब उठ गए हैं, सुबह हो गई है। रजाई से बाहर निकले कि नहीं निकले? निकल गए। चलिए अब हम पढ़ेंगे संस्कृत क्लासेस की चतुर्दशा पाठ। चतुर्दशा, दशा मतलब दस, चतुर मतलब चार। दस और चार कितने हो गए? चौदह। दो पाठ चौदह, पाठ चौदह। तो संबोधन कारक, कारक कितने होते हैं? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में होता है संबोधन। संबोधन का प्रयोग प्रथमा व्यक्ति जैसे करते हैं, हे, अरे, भो, है ना। इससे चलिए पहले मीनिंग देखेंगे। शब्द ज्ञान, देखो हमने बुक बोर्ड पर भी लिखा है, आदर्श, आदर्श, आदर्श। षट बाजने, षट बाजने मतलब छः बजे, षट मतलब छः, बज बाजने मतलब बजे। कश्य, कश्मीर, किसका। फिर मया, सह, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, मेरे साथ। अधुना, अधुना मीन्स अब। फिर अर्चना, अर्चना मीन्स पूजा। जनानाम, लोगों के। वया मतलब हम सब। अब चतुर्दशा पाठा संबोधन कारक, संबोधन वाला पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पेज नंबर है 192, पेज नंबर 192। सब निकालिए, पेज नंबर 192। ध्यान रहे, अपन को अच्छी तरह से अनुवाद सुनना है, पढ़ना है, उंगली रखना है, ठीक है। हम जिसे संबोधित करते हैं अथवा बुलाते हैं वह संबोधन कारक है। जैसे हमें किसी लड़की का नाम नहीं मालूम, बोले ए लड़की इधर आना, अरे तुम क्या कर रहे हो। अगर नाम रहेगा तो बोले रजनीश तुम क्या कर रहे हो। अगर नहीं मालूम तो अरे तुम क्या कर रहे हो, है ए इधर आओ, भो हो, ऐसे करके बुलाते हैं ना, तो इसे संबोधन कहते हैं। इसका चिन्ह हे, अरे आदि होता है, हे अरे आदि होता है। इसमें कुछ परिवर्तन के साथ मृत व्यक्ति का प्रयोग होता है। शब्द से पहले, शब्द से पहले जैसे हे, अरे, अरे लड़के तुम क्या कर रहे हो, ऐसे अरे बोल देंगे। हे, हे राम, अरे राम, इस तरह से आदि चिन्ह तथा अंत में विषमादिक बोधक चिन्ह। विषमादिक बोधक होता है जिससे आशय होता है, एक लाइन खींच के उसके नीचे बिंदी लगा के उसको लगाकर और संबोधन में लगाकर कारक और संबोधन कारक में अंतर दिखाया जाता है। लगाकर कर्ता, कर्ता मीन्स करने वाले, और संबोधन मतलब जो किसी को पुकार रहा है, कर रहा है, मैं अंतर दिखाया, कर्ता और संबोधन में अंतर दिखाया जाता है। यथा, यथा मीन्स जैसे, हे राम अत्र आगच्छत, हे राम यहाँ आओ। अवार्तलावा, वार्तालाप मतलब बातचीत, बातचीत। सिक्स के सभी बच्चे जल्दी से मुख खोल लेना, जिसने नहीं खोली तो बेटा। फिर वार्तालावा, जयंता, जयंत और अमन है, इनकी जीत में बात हो रही है। जो ऊपर संस्कृत में जैसे जयंत नाम है तो विषय विसर्ग लग जाता है। अरे मित्र, तो अब कुत्र गच्छ सी, अरे मित्र तुम कुत्र गच्छ सी, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। आमना, हे जयंत अहम विद्यालय गच्छामि, हे जयंत अहम मतलब मैं विद्यालय गच्छामि मतलब जा रहा हूँ। जयंत, हे रमे मतलब हे रमा, तुम अपि गच्छ सी किम, तुम भी, अपि मतलब भी, तो मतलब तुम भी गच्छ सी कि तुम भी जा रही हो क्या, कि मतलब क्या। रमा, आम्र अहा मतलब, आम्र मतलब हाँ, अहा मतलब मैं, हाँ मैं भी, अपि मतलब भी, विद्यालय गच्छामि अहा, हाँ मैं भी विद्यालय जा रही हूँ। हे जैन तुम अपि अवभ्याम से चल, हे जैन तुम भी, अवभ्याम मतलब हमारे साथ, अवभ्याम दो के लिए होता है, द्विवचन में आता है, सहचर हमारे साथ चलो। सिंह, हे पशुआ, आप सिंह मतलब शेर बोल रहा है, हे पशु ध्यान श्रुत ध्यान से सुनो। अहम प्रतिदिन, अहम मतलब मैं प्रतिदिन, एकम पशु खादा मैं एक पशु को खाऊंगा, तो हे पशु ध्यान श्रुत ध्यान से सुनो। अहम मतलब मैं प्रतिदिन, एकम पशु खादा मैं प्रतिदिन एक पशु खाऊंगा। गजा, हे सिंह, गज, गज मतलब हाथी, हाथी बोल रहा है, से प्रतिदिन एका एका पशु भवता पार्श्वे गच्छति, पार्श्वे गच्छति, प्रतिदिन एक पशु तुम्हारे पास गच्छे मतलब आ जाएगा, है ना। शशका, हे पशुआ अहम, हे पशुआ अत्र अहम सिंह मारति, हे पशु अत्र मतलब आज, अहम मतलब मैं सिंह, सिंह सिंह मतलब शेर को मारूंगा। शशका मतलब खरगोश बोल रहा है। फिर बानरा, बानरा ने बोला, अरे शिशका, अरे खरगोश,
शैवलिष्ठ, वह बहुत बलवान है। तम कथम आसी, तुम उसे कैसे मार सकोगे, कैसे मारोगे। शश का खरगोश बोला, अरे वानरा, अरे बानर, अरे बंदर, अहम तम बुद्धि कूपे पाती, अहम मैं अपनी बुद्धि से कूपे मतलब कुआ में पायती गिरा दूंगा। पश्व, हे शशका, तुम बुद्धिमान असी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो अब ये तो हो गया इसकी बात खिलाफ दो चीज़ों। अब विद्यालय में उत्सव है, उत्सव मना रहे हैं, तो क्या है, किसी को बुलाने या संबोधन करने के लिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। संबोधन को हे, अरे, रे, भो चिन्ह से प्रकट करते हैं, जैसे सोमेशा अवनीश तोम कुत गच्छसी। सोमेश बोल रहा है अवनीश से, अवनीश तोम कुत गच्छसी, तुम कहाँ जा रहे हो। तो अवनीशा, अहम गृहं गच्छामि, तुम कुत गच्छसी, अहम मतलब मैं घर जा रहा हूँ, तुम कुत गच्छसी, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यो क्या आ गया फिर, सोमेश क्या बोल रहा है, मित्र अहम विद्यालय गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मम विद्यालय उत्सव अस्ति, मेरे विद्यालय में उत्सव है। अवनीशा, किम तुम अपी कार्यक्रम प्रस्तुत करोसी, कि मतलब क्या, तो मतलब तुम, अपी मतलब भी, क्या तुम भी कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हो, करोशी करोगे। तो सोमेश, आम अहम गीतम गायामि, आम मतलब हाँ, अहम मतलब मैं गीतम मतलब गीत गायामि मतलब गाऊंगा। अवनीश, कार्यक्रम कदा प्रारंभ भविष्यन्ति, कार्यक्रम कदा मतलब कब प्रारंभ मतलब हो शुरू भविष्यन्ति होगा, कार्यक्रम कब शुरू होगा। सोमेश, मित्र षडवादने तुम अपि मया सह चल, मित्र षडवादने मतलब 6 बजे, तो मतलब तुम भी मया मतलब मेरे सह मतलब साथ, चल मतलब चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। अवनीश, मित्र अहम क्रीड़ा क्षेत्र गमयसि, मित्र अहम मतलब मैं क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल के मैदान में गमिष्यामि मतलब जाऊंगा। सोमेश, कृष्ण तुम कुत गच्छसि, कृष्ण तुम कब जाओगे, कृष्ण तुम कुत गच्छसि, तुम कहाँ जाओगे। तो कृष्ण, मित्र अहम देवालयम गच्छामि, मित्र अहम मतलब मैं देवालय मतलब मंदिर में गच्छामि मतलब जाऊंगा। सोमेश, कृष्ण देवालय कश्य देवस्य अर्चना करोषि, कृष्णा देवालय मतलब मंदिर में कश्य मतलब किसकी, किस देवस किस भगवान की अर्चना करो, किस भगवान की पूजा करोगे। मित्र अहम देवालय भगवता रामस अर्चना करोमि, मित्र अहम मतलब मैं देवालय मतलब मंदिर में भगवान राम की अर्चना करो मतलब पूजा करूँगा। फिर सोमेश, मित्र रामः भारतस्य जनानाम आदर्श अस्ति, अतः वयं तु नाम, राम भारत के जनानाम लोगों में आदर्श हैं, अतः वयं तु नाम, अतः हम उनको नमस्कार करते हैं। तो जे इसमें इन दोनों की बातचीत हो गई। अब आदर्श इसका में शब्दार्थ है, और संबोधन के रूप में एक वचन अलग होते हैं, एक वचन में अलग होते हैं, और परंतु द्विवचन बहुवचन प्रथम व्यक्ति के समान होती है। द्विवचन जैसे संबोधन में एक वचन में अलग होता है, जैसे हे बालक, ऐसा हो जाता है द्विवचन बहुवचन में उसके समान होते हैं। नपुंसक लिंग शब्दों में संबोधन रूप प्रयुक्त नहीं होते, नपुंसक होते हैं। और श्लोक है, हे सरस्वती महाभाग्ये बुद्धि देहे देहि यशो दे, हे सरस्वती माता मुझे विद्यु बुद्धि दो, यश दो, और मति दे हम अच्छी बुद्धि दो, सिद्धि दे ही सिद्धि दो, शारदे देवी हे सरस्वती माता, शारदे होता सरस्वती माता, तुम नवामी तुम्हें बहुत 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 नमस्कार जी। अपना पाठ हुआ, अब इसके प्रश्नोत्तर आपको हम PDF में भेजेंगे, लेकिन हम तुम्हें समझा देते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। पोस्टर में दिए गए शब्दों के संबोधन रूप में रिक्त स्थान में भरी, अब रिक्त स्थान में भरना है। जैसे अब इसमें देना है, इसमें देखो संबोधन रूप में संबोधन में भरना है प्रथम व्यक्ति, जैसे अनुजा तो हे अनुजे, फिर है देव माम रक्ष तो हे देव, फिर मित्र हे मित्र,
फिर रमा हे रमे, रमे बताया उसमें रमा को, है ना, इस तरह से रिक्त स्थानी पूरिया पूर्ति कीजिए। जैसे एक वचन द्विवचन में इनकी भक्ति लिखना, राम का हे राम, हे रामो, हे रामा प्रथम व्यक्ति जैसे आ गया। फिर सीता हे सीते, हे सीते, हे सीता। फिर आ गया इसमें सब में विषमादि बाधक को वो भी लगेगा चिन्ह सब तीनों में। बालक हे बाल कहा, हे बाल कहू, हे बाल कहा। सैनिक हे सैनिक, हे सैनिक कहू, हे सैनिक। अब एक पद उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। अवनीश कुत्र गच्छति, तो अवनीश कहाँ जा रहा था, ग्राम। देवालय कश्य अर्चना करोति, मंदिर में किसकी पूजा कर रहे थे, देवस्य भगवान की। बालका कीड़ा क्षेत्र किम कुर्वन्ति, बालक कीड़ा क्षेत्र में खेल के मैदान में क्या करता है, क्रीड़ंती बहुवचन है। कहा भारतस्य जननाम आदर्श अस्ति, भारत के श्रेष्ठ आदर्श कौन है, रामा। और संवादे रिक्त स्थान, संवाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करना, मोहन रामा किम डैश कंदुके किसी तो तौम क्या जाएगा, तौम रामा आम्र परम तौम कैन से डैश कीड़ति कीड़सी आ जाएगा, कीड़ सी कीड़ का कीड़सी। फिर मोहन राम अहम डैश सह कीड़ामी मित्र का मित्रेण मित्रेण आ जाएगा। फिर रामा तो अधुना तौम पुत्र डैश क्वेश्चन मार्क चिन्ह गम तो गच्छसी। मोहन मित्र हम डैश गच्छामी उद्धानम, रामा त्रही गच्छ कीड़चा हो गया। अब आ जाएगा इसमें सही विकल्प, सही का निशान लगाना है। तीनों आंसर दिए उसमें से एक सही एक का। संबोधन व्यक्ति का चिन्ह है मैं पर हे अरे ने तो हे अरे। छात्र शब्द का संबोधन हे छात्र, हे छात्रम, हे छात्रा तो हे छात्र। मित्र अहम पुस्तकम पठामि इस वक्त में कर्ता पद अहम मतलब मैं है, कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ। ते विद्यालय गच्छति वाक में द्वितीय व्यक्ति किस पद में है, विद्यालय द्वितीय में आएगा, ते में भी नहीं आएगा, गच्छति में नहीं आएगा, विद्यालय। अब निर्देश अनुसार प्रदत्त पदाना वचन परिवर्तन, निर्देश वाक वचन को चेंज करना बहुवचन में। जैसे हे मित्र इसका बहुवचन मित्र, मित्रे मित्राणी मित्राणी आ गया। हे सैनिक द्विवचन है सैनिक, सैनिकौ सैनिका तो सैनिकौ। हे पुत्र बहुवचन हे पुत्र, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र त्रह आ गया बहुवचन पुत्र। हे नरौ हे नर एक वचन में आ गया, नर नरौ नर फिर जा गया नर। तो आप क्रियाकलाप जिसका पीडीएफ भेज देंगे। इस तरह से आपका चतुर्दशा पाठ पूरा हो गया। कई क्लास में हमने तीन सेक्शन है उनमें से कई में हमने पढ़ा भी है था, लेकिन हमने वापस इसलिए पढ़ाया ताकि आपको पूरा है पुनरावृत्ति की पीडीएफ भेज देंगे, पूरा करना है। और नोटबुक पूरी सबकी कंप्लीट होना चाहिए, नोटबुक सबकी चेकिंग होगी, उसी के अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। और प्रोजेक्ट जिसने नहीं भेजा है प्रोजेक्ट भी भेजना है तभी नंबर मिलेंगे। और कॉपी पूरी करके समय पर, और कॉपी जब भेजेंगे ना सब लोग जिस सेक्शन में है पूरा अपना नाम मिलना ऊपर ही लिख देना, जो ए में है तो ए, बी में है बी, सी में तो सी, नहीं तो कॉपी मिक्स नहीं होना चाहिए। कई बच्चे तो पूरे बड़े बड़े अक्षर में अपना नाम, हमने अपना रोल नंबर बताया आपको क्लास वाइज, और फर्स्ट ए सिक्स ए वाले सिक्स ए, बी वाले बी, सी वाले सी, सारे क्लास के सेक्शन अपने अपने रोल नंबर और नाम लिख के ही भेजना है, ठीक है, साफ सुंदर आईडी में लिखना। चलिए सही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।